ट्रेन में सफर से पहले या सफर के दौरान अगर आप ये समझकर फोन चार्ज पर लगा रहे हैं या धड़ल्ले से जेब से निकाल कर चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा, तो ये अब आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। दरअसल सैकड़ों और हजारों लोग स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सफर से पहले वेटिंग के दौरान फोन चार्ज पर लगा देते हैं। दूसरा ये कि हम और आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो ट्रेन के भीतर अपने फोन को जेब से निकाल कर नहीं चलाता होगा या चार्जिंग पर नहीं लगाता होगा। लेकिन अब ऐसा करने पर भी बड़ी घटना घट सकती है। अब सुरक्षित कैसे रहना है और क्या कुछ करना है, वो तमाम जानकारी भी आपको हम इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। जरूरी है कि बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगर आप भी ट्रेनों में सफर के दौरान अपने मोबाइल को चार्ज में लगाकर छोड़ देते हैं या फिर किसी भी अनजान व्यक्ति के केबल से अपना मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, तो अब आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि जूस जैकिंग नाम की एक तकनीक के सहारे साइबर अपराधी आजकल धड़ल्ले से साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा RFID तकनीक से साइबर अपराधी मासूम लोगों को अपना शिकार भी बना ले रहे हैं। इन एडवांस तकनीकों की मदद से साइबर फ्रॉड करने वाले लोग बिना मोबाइल छुए ही आपके अकाउंट का बैलेंस जीरो कर सकते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद यात्रियों को साइबर अपराधियों से सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही अगर आप अपने ATM कार्ड, मोबाइल और अन्य जरूरी चीजों का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से नहीं करते हैं, तो आपके साथ साइबर फ्रॉड की घटना घट सकती है। इस बाबत सरकार द्वारा भी यात्रियों को समय समय पर जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। बीते दिनों ही रेल पुलिस ने पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर लोगों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी थी। रेल SP ने बताया था कि प्लेटफॉर्म या वेटिंग रूम में मोबाइल चार्ज करने से पहले अगर सावधानी नहीं बरती गई तो साइबर अपराधी लोगों को चूना लगा सकते हैं। रेल SP ने आगे ये भी बताया कि साइबर अपराध को लेकर रेल यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर साइबर अपराधी रेल यात्रा कर रहे लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। हालांकि रेल यात्रियों को पहले से साइबर अपराध के बारे में जानकारी रहेगी तो वे सावधानी जरूर बरतेंगे। फिलहाल साइबर अपराधी कई तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे अत्याधुनिक तरीके भी शामिल हैं जिसके जरिए रेल यात्रियों को बड़ी आसानी से अपना निशाना बनाया जा रहा है। साइबर अपराधी प्लेटफॉर्म या फिर वेटिंग रूम में चार्जर में अपना केबल लगा देते हैं और इसके जरिए लोगों की निजी जानकारियां उन्हें मिल जाती हैं। वहीं इसके अलावा फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर साइबर अपराधी ATM कार्ड से रुपए की निकासी भी कर ले रहे हैं। असल में साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों के हाथ में एक एडवांस मशीन होती है जिसकी सहायता से वो पॉकेट में रखे ATM कार्ड से भी आपके रुपए की निकासी कर सकते हैं। अक्सर ट्रेन की बोगी में साइबर अपराधी का इन तकनीक का इस्तेमाल करना आजकल आम सा हो गया है। अक्सर ट्रेन की बोगी में साइबर अपराधी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और भोले भाले यात्रियों को कंगाल कर देते हैं। तो हम भी यही कहेंगे कि ट्रेन में सफर से पहले या फिर सफर के दौरान सावधान रहें, सुरक्षित रहें, बने रहें लाइफ सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।